અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના સામે કોઈ પણ સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે હોસ્પિટલ કેટલી સજ્જ છે તે અંગે મોક ડ્રિલ યોજવામાં આવી હતી। સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં 1200 બેડનો કોરોના માટે ખાસ વોર્ડ બનાવેલ છે। મોક ડ્રિલ દરમિયાન પેશન્ટને હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ તાત્કાલિક સારવાર, ઓક્સિજન સપ્લાય અને દર્દીનું કાઉન્સેલિંગ, દવાનો જથ્થો વગેરે બાબતનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું। જે દરમિયાન તમામ સુવિધાઓ સારી રીતે કામ કરે છે અને જરૂર પડે હોસ્પિટલમાં 3000 બેડ સુધી વધારવાની કેપેસિટી પણ છે। पूरी सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें, जैसा अगर सेकंड पीक ने देखा ऐसी परिस्थिति आए तो वो 2500 से 3000 बेड तक की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। 350 से मतलब 500 जितना आईसीयू बेड्स पूरी मेडी सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से अभी जो कंट्रोल है, हमने वो ओमिक्रॉन वाला भी फेज देखा जिसमें भी एडमिशन रेट कम था, अभी भी फिलहाल वही सिचुएशन है कि केसेस है ज़्यादा लेकिन एडमिशन बहुत ही कम है। ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों की बात करूंगा तो हमारे पास 20,000 लीटर की ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और 7 PSA प्लांट है जो पर मिनट 5,300 लीटर ऑक्सीजन जनरेट कर सके, वो ऐसी कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा 700 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है। सारे बेड जितने भी है उसको ऑक्सीजन बेड के हिसाब से कन्वर्ट किया गया है। मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी होने वाली नहीं है, सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उन सबको कोविड को कैसे ट्रीट करें उस लेवल के हिसाब से क्लास 1 से क्लास 4 तक ट्रेनिंग दी गई है।